हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे उर्स टू बाय ए मारुति कार फॉर ए डेली यूजेस। देखते हैं कि मारुति कार हम डेली यूज के लिए कैसा है, कैसा इसका परफॉर्मेंस है। सब तरफ से देखेंगे, सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस जो कि पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं, और सब तरफ से मिला के देखेंगे कि मारुति कार मान लीजिए कोई भी गाड़ी पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं डेली यूजर्स के लिए। तो आज सब चीज के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं सर्विस कॉस्ट के बारे में, या फिर बोल लीजिए आप, हाँ सर्विस कॉस्ट ही बोल लीजिए। तो इस गाड़ी की जो सर्विस कॉस्ट आती है, ये पेट्रोल गाड़ी की मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको डिटेल में अगर बताऊँ तो मान लीजिए इसका एक ठो हो गया आपका मोबिल आपका 1500 रुपये में आ जाएगा। 1500 के अंदर अगर अच्छा वाला डालेंगे उर्त का तो 1800-1900 के अंदर आ जाएगा एक ठो हो गया मोबिल। उसके बाद हो गया एक ठो एयर फिल्टर, उसके बाद एक ठो हो गया एसी फिल्टर, उसके बाद हो गया एक ठो मोबिल फिल्टर जो कि 100 के अंदर ही मिल जाएगा। और उसके बाद आता है पेट्रोल फिल्टर जो कि करीबन 30-40 हज़ार तो चल ही जाता है, तो आपको ज़रूरत नहीं होगा। तो अगर इस सब चीज़ों की अगर बात कर लें तो आपको कहीं ना कहीं 2000 हो गया मोबिल, और उसके बाद हो गया एयर फिल्टर, एसी फिल्टर और मोबिल फिल्टर मिला के मान लीजिए 1000, तो 3000 हो गया। तो लेबर कॉस्ट हो गया आपका अगर 500 या 1000, तो 3 से 4 हज़ार में इसका सर्विस हो जाता है। ठीक है, 3 से 4 हज़ार में इसका सर्विस हो जाता है। सबसे जो मेन जरूरी बात है कि स्पेयर पार्ट्स, अगर गाड़ी कहीं पर भी ब्रेकडाउन होता है या कुछ भी इशू आता है गाड़ी में ऐसा, तो आप स्पेयर पार्ट्स कहीं पर भी इजीली मिल सकता है और चीपेस्ट प्राइस, मान लीजिए सबसे लो प्राइस में मिल जाए। मान लीजिए आप इसका क्लोज प्लेट हो गया, ये तो मेजर इशू है, लेकिन छोटी मोटी चीजें मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए क्लोज प्लेट भी इसका 2000 के अंदर ही आ जाता है। क्लोज प्लेट और प्रेशर प्लेट मिला के जो इसका सेट आता है 2000 के अंदर मिल जाता है, उसके बाद आपका जो लेबर चार्ज है। तो स्पेयर पार्ट्स ये हो गया, और तो वैसे डेली चेंज होने वाली चीज कुछ भी नहीं है। और एक चीज है जो कि है हमारा ये जो टायर तो आपका एक टायर चल जाएगा करीबन 50-60-70 ऐसा तो चल ही जाएगा, कई कई लोगों का तो 1 लाख भी चल जाता है। तो आपको टायर भी आपको सबसे कम रेट में मिलेगा, सबसे बड़ी टायर सबसे कम रेट में मिलेगा, जो कि आपको 3000 से लेके 3500 के अंदर टायर मिल जाएगा, कोई भी आप ब्रांड देख सकते हैं। हाँ, डेली यूजर्स के लिए आप पेट्रोल लीजिए चाहे डीजल, अगर आपका रनिंग 100 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, 80 या 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप डीजल ही लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, एक बेहतर ऑप्शन होगा, बेहतर पैकेज होगा, क्योंकि डीजल में आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। और अगर आपका रनिंग 20-30 किलोमीटर से है, 40-50 है, सिर्फ अभी रोज का ऑफिस जाना आना होता है, तो आप पेट्रोल ही लीजिए, पेट्रोल के लिए प्रीफर कीजिए, तो पेट्रोल आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि पेट्रोल में आपका माइलेज भी अच्छा दे ही देता है, लेकिन मेंटेनेंस पूरा जीरो है, जो कि आपको कहीं ना कहीं मतलब हेल्प करेगा। अगर डीजल इंजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी अगर डीजल में होती तो ये 1 लाख रुपया ज़्यादा होती, तो इसलिए आप पेट्रोल में जा सकते हैं। पेट्रोल में आपको बेस्ट माइलेज मिलेगा, सब जितनी भी सारी पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उसमें उनमें से सबसे बेस्ट माइलेज मिलेगा मारुति में, और आपको डीजल में भी बेस्ट माइलेज मिलेगा। अगर आप छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं मारुति का, वैगनर हो गया या फिर हो गया आपका ऑल्टो, मान लीजिए ऑल्टो K10 मान लीजिए, और क्या है छोटे में वैगनर का नया मॉडल एक आया है उसका देख लीजिए, CNG भी आता है। तो वैगनर, और एक बात तो आपको पता ही है, मारुति गाड़ी तो आपको पता ही है, मारुति की गाड़ी में हर कोई ड्राइविंग सीखता है, प्राय मारुति गाड़ी इजी टू ड्राइव है, मेंटेनेंस तो लो है ही। और अगर बात करें
इसको आप कहीं पे भी किसी भी गैराज में आप लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी मिस्त्री आपको देख सकता है। अगर ये मारुति की गाड़ी है तो आपको इसीलिए आपका इसका जो आप अगर चाहते हैं गाड़ी को थोड़ा सा जाना तो इसका एसेसरीज भी जो है आफ्टर मार्केट बहुत इजीली मिल जाता है मारुति के प्रोसेसली, तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा मारुति का एसेसरी, रेट भी कम में मिल जाएगा, कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन आपको एक चीज को ध्यान में रखना है कि आपको पेट्रोल लेना है या डीजल। सब लोग सोच रहे हैं कि डीजल में ज्यादा माइलेज आएगा तो हम डीजल ही लेंगे, तो एक चीज आपको बता दे हूं कि पेट्रोल इंजन से डीजल इंजन वही सेम गाड़ी पेट्रोल इंजन से डीजल इंजन 1,00,000 रुपया करीबन ज्यादा होता है। तो आप एक सोच के लेना चाहिए क्योंकि पेट्रोल इंजन में आपको ज्यादा माइलेज नहीं मिलेगा, डीजल में माइलेज मिलेगा लेकिन डीजल इंजन 1,00,000 ज्यादा होता है। तो अगर आपका रनिंग कम है तो आपको पेट्रोल ही ठीक है क्योंकि पेट्रोल का इंजन आपको 1,00,000 कम पड़ेगा। और मैं बताऊं तो मेरे जो यूजेस है तो डेली रनिंग के लिए मेरे को ये पेट्रोल गाड़ी इतना सही नहीं लगा क्योंकि मेरा थोड़ा रनिंग ज्यादा है, क्योंकि मेरा रोज का आना जाना नहीं है ठीक, लेकिन मेरा जो कभी जाना हो तो आना हो तो मेरा 100 किलोमीटर से ज्यादा ही हो जाता है, अगर एक दिन दो दिन में हो गया तो 100 किलोमीटर से ज्यादा ही हो जाता है, तो इसलिए डीजल ही प्रेफर करना चाहिए मेरे को। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि डीजल गाड़ी एक हो तो डीजल में आपको हाईवे पे ज्यादा टर्क मिल जाएगा, रनिंग में अच्छा मतलब हाईवे रन में अच्छा लगेगा, और पेट्रोल में वो टर्क नहीं है, हाईवे पे चलाने में वो टर्क नहीं है। लेकिन पेट्रोल गाड़ी बहुत साइलेंट है, डीजल थोड़ी सी आवाज होगा जरूर, लेकिन डीजल में माइलेज अच्छा मिलेगा, टर्क भी मिलेगा। 1,00,000 ज्यादा होने से भी तेल डीजल का जो रेट चल रहा है फिलहाल वो उस रेट में अगर देखें तो आपको डीजल में वो 1,00,000 रुपए जो ज्यादा लेते हैं डीजल इंजन का वो आपका रोज जो ड्राइविंग होगी उससे निकल जाएगा, क्योंकि ना डीजल में आपको माइलेज ज्यादा मिलेगा, तो जो 1,00,000 एक्स्ट्रा होगा वो आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि माइलेज आपको ज्यादा मिलेगा तो आपको वो रुपये चल जाएगा। और एक बात, डीजल या हो या पेट्रोल आपको मारुति ही लेना चाहिए क्योंकि मारुति गाड़ी तो हल्की है, गाड़ी तो हल्की है लेकिन आपको डेली यूजर्स के लिए मारुति गाड़ी ही बेस्ट है, क्योंकि इसका पार्ट्स बहुत ही चीप है और इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो भी चीप आता है, शायद डीजल का तो पता नहीं पेट्रोल का चीप ही आता है। और कहीं पर भी सजा सकते हैं आपको इसको, कहीं से किसी पर भी सर्विस कर सकते हैं, कहीं पर भी सर्विस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सभी मतलब सभी गैरेज वाले इसको अच्छे तरह से जानते हैं, मारुति गाड़ी कब से छाई हुई है, ऑल्टो से लेके हमारे जो सियाज आता है या कुछ भी आता है, हाईएस्ट गाड़ी में तो बोल नहीं सकते लेकिन ऑल्टो का और ऑल्टो K10 का और वैगनर का ये सब जो गाड़ियां हैं, ये मारुति स्विफ्ट हो गया, ये डिजायर हो गया, स्विफ्ट डिजायर हो गया, ये सब गाड़ियों में आप कहीं से भी इजीली इसको सर्विस करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और सारे पार्ट्स आपके अवेलेबल होते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखें, अगर आपका डेली रनिंग है तो ही डीजल में जाइए, वरना पेट्रोल ही लीजिए, आपको पेट्रोल बेस्ट रहेगा सबसे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए किसी और नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।